कर्नाटक चुनाव में सियासी घमासान के बीच आया नया ट्विस्ट, एक घर से करीब 10,000 वोटर आईडी कार्ड मिलने से हड़कंप। वोटर आईडी कार्ड मिलने के बाद आधी रात तक चला बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान, आधी रात तक 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर लगाया आरोप प्रत्यारोप। वोटर आईडी कार्ड को बीजेपी और कांग्रेस बता रहे हैं फर्जी, बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने चुनाव कैंसिल करने की मांग की। कांग्रेस ने वोटर आईडी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी नेता के घर से बरामद हुए आई कार्ड। आईडी कार्ड के फर्जी होने से चुनाव आयोग ने किया इनकार, कहा पहली नजर में आई कार्ड लग रहे हैं असली, जांच के आदेश। कर्नाटक चुनाव प्रचार को बचे सिर्फ 48 घंटे, बीजेपी कांग्रेस की दनादन रैलियां। बीदर, चकमंगलोर, कोलार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। राहुल गांधी के बेंगलुरु और नगरजुना में रैलियां, डोडा गणपति टेंपल से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। कर्नाटक के शिवाजी नगर में आज राहुल गांधी और अमित शाह के बीच टक्कर, 1 बजे राहुल गांधी की नुक्कड़ सभा, वहीं 4 बजे अमित शाह का रोड शो। चुनाव के सीएम, यूपी के सीएम योगी की भी आज एक के बाद एक रैलियां, शिवराज सिंह चौहान का रोड शो। घाटी के हालातों को लेकर आज सीएम महबूबा मुफ्ती ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, पत्थरबाजी, आतंकी घटनाओं और सैलानी की मौत पर होगी चर्चा। घाटी में पत्थरबाजी में हुई मौत के बाद चेन्नई पहुंचा टूरिस्ट का पार्थिव शरीर, घर में बसरा मातम। सैलानी की मौत पर एक्शन में आई जम्मू कश्मीर पुलिस, 3 आरोपियों को लिया हिरासत में। घाटी में सैलानी की मौत पर केंद्र ने जताई चिंता, कहा जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नुकसान पहुंचा रहे पत्थरबाज। घाटी में पत्थरबाजी से सैलानी की मौत पर सुलगी सियासत, जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पत्थरबाजों से निपटने के लिए सीआरपीएफ ने तैयार किया नया प्लान, सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ाने की भी तैयारी। घाटी में आतंकी सद्दाम पडार के जनाजे से आया हैरान करने वाला वीडियो, शोपिया में फायरिंग करते दिखे आतंकी समर्थक, वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं। 2 दिन पहले सेना ने किया था सद्दाम को ढेर, बुरहानवानी के गैंग की तस्वीर का आखिरी आतंकी था सद्दाम। आईएसआई के खतरनाक प्लान का पर्दाफाश, कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए पाक की जेलों में बंद तालिबानी आतंकियों से मिलाया हाथ। जैश ए मोहम्मद के बैनर तले तालिबानी आतंकियों के साथ साजिश रच रहा है आईएसआई, आज तक के हाथ लगी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। केंद्र की 4 साल की उपलब्धियों का बखान करने के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान, प्रचार के लिए तैयार किए गए अलग अलग थीम। सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर जोरदार हमले की तैयारी, 48 साल बना 48 महीने का नारा बनेगा हथियार। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की कांग्रेस की मुहिम को लगा पलीता, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने खारिज की याचिका। प्रदेश अध्यक्ष कमान संभालने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे कांग्रेस सांसद, कमलनाथ बैंड बाजे के साथ स्वागत। बेटी की शादी के लिए लालू यादव ने दी 5 दिनों के पैरोल की अर्जी, 12 मई को है तेज प्रताप की शादी। इलाहाबाद में बीजेपी पार्षद पवन केसरी की गोली मारकर हत्या, स्कूटी से जा रहे पार्षद पर बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। शिवसेना के उपशाखा प्रमुख की हत्या के मामले में 7 लोग गिरफ्तार, 6 आरोपी यूपी से पकड़े गए। फरीदाबाद में पिस्तौल के नोक पर व्यापारी से लूटे 5.5 लाख रुपए, लूट के दौरान पत्नी पर किया फायर। दिल्ली के मयूर विहार से आया हैरान करने वाला सीसीटीवी वीडियो, पिस्तौल के साथ एक शख्स को पीटते दिखे बदमाश। बांदा के चर्चित गैंग रेप मामले में पीड़िता ने की जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में भर्ती। जमुई में पुलिस की दबंग गई, थाने में बुलाकर शख्स को बुरी तरह से पीटने का आरोप। सवाईमाधोपुर में प्रेमी जोड़े पर लगा ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठने का आरोप, सोना व्यापारी के प्यार के जाल में फंसाकर लूटे 26 लाख। चढ़े में कस्टम ने एक शख्स को पकड़ा, 40 किलो सोना, 12.6 करोड़ की आंकी गई कीमत। रेलवे के टॉयलेट का पानी इस्तेमाल करने पर कॉन्ट्रैक्टर पर बड़ी कार्रवाई, 1 लाख का लगा फाइन, वीडियो वायरल होने के बाद लिया गया एक्शन। नासा और डीआरडीओ के नाम पर ठगी करने वाले बाप बेटे को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, 37,500 करोड़ का दिया था झांसा। दिल्ली सटे नोएडा में टीवी ना देखने पर 10 साल के बच्चे ने दी जान, खिड़की से चुन्नी को बनाया फंदा। अमृतसर में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, 2 घर आए चपेट में। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में जिन्ना समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। रायबरेली में पुलिस और बदमाश के बीच भिड़ंत, 1 बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार। शाहजहांपुर में रेप पीड़िता ने बीजेपी विधायक पर लगाया धमकी का आरोप, सीएम योगी से लगाई इंसाफ की गुहार।
एएमयू में यूनिवर्सिटी परिसर में हंगामा रोकने को लेकर छात्रों ने मचाया हस्ताक्षर अभियान, जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम। यूपी के हरदोई में रेप का बदला रेप, विधवा महिला के रेप के बाद बेटे ने आरोपी की पत्नी से किया रेप, हरकत में आई पुलिस। यूपी के आजमगढ़ में 18 साल की लड़की को किया आग के हवाले, सिर फिरे आशिक को पुलिस ने दबोचा। लखनऊ रेलवे स्टेशन में मनचलों की धुनाई का वीडियो वायरल, छेड़छाड़ के बाद महिला ने की सरेआम धुनाई। सीतापुर में बीजेपी विधायक रामकृष्ण भार्गव पर हत्या का आरोप, मृतक की पत्नी ने विधायक पर पैसे लेकर चुप रहने की धमकी देने का भी लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के हरदोई में निजी स्कूल का टीचर बना हैवान, दो बच्चों की बहरहमी में से पिटाई केस दर्ज। यूपी के कौशाम्बी में लड़की से तमंचे के बल पर रेप, पुलिस ने दर्ज की शिकायत, आरोपी फरार। कानपुर पुलिस ने दिखाई वर्दी की धौंस, पुलिस वाले ने मामूली तौर पर गाड़ी छू जाने के बाद की गाली गलौज, कार के दरवाजे पर पैर से मारी ठोकर। यूपी के हरदोई में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में झुग्गियों में लगी आग, 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक, कई लोग हुए बेघर। यूपी के बस्ती में कबाड़ के कारोबारी से 37 लाख की ठगी, फिल्मी स्टाइल में बैग लेकर फरार। बिहार के पूर्णिया से अगवा 8 साल की बच्ची को पुलिस ने 6 घंटे के अंदर किया बरामद, 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। पटना के ननियावा इलाके में दलित लड़की से बलात्कार, पुलिस ने दर्ज किया नामजद केस, आरोपी फरार। बिहार के बघा में चिटफंड कंपनी के मालिक सत्यदेव गुप्ता की बेटी के घर सीबीआई की छापेमारी, कई कागजात जब्त। बिहार के सुपौल में हादसा, बस पलटने से 2 यात्रियों की मौत, 12 घायल। दिल्ली सटे फरीदाबाद में तेज आंधी के बाद कबाड़ के गोदाम में आग, करीब 12 घंटे तक दमकल गाड़ियों की मशक्कत के बाद काबू। हरियाणा के पंचकुला के सरकारी अस्पताल में नशे में बवाल करने वाली डॉक्टर सस्पेंड, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज के लिए जगह देने की मांग, मुस्लिम संगठन के लोगों ने पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। हरियाणा के फरीदाबाद के लतीपुर गांव में सरकारी दावों के बावजूद नहीं पहुंची बिजली, मोदी सरकार के दावों पर सवाल। पंजाब के फरीदकोट में एक्शन में जिला प्रशासन, जेल में छापा, 4 मोबाइल फोन के साथ आपत्तिजनक सामान जब्त। पंजाब के अमृतसर में 7 किलो हेरोइन की बड़ी खेप जब्त, पुलिस ने बड़े ड्रग रैकेट का किया खुलासा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में लगी भीषण आग, यात्रियों में अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फोम और गद्दी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के नीमच में देह व्यापार के अड्डों पर पुलिस का छापा, 4 लड़कियों को पुलिस ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश की कमान मिलने के बाद पहली बार छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ, शहर में जगह जगह भव्य स्वागत। उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, दिल्ली में लगातार दूसरी रात चली धूल भरी आंधी, अगले 24 घंटे में बारिश की चेतावनी। उत्तर भारत के कई इलाकों में दहशत की बारिश, हरियाणा के करनाल में बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों को किया परेशान। मौसम के मिजाज ने बढ़ाई दिल की धड़कन, फतेहाबाद में भारी बरसात के साथ आसमानी ओलों ने बढ़ाई आफत। हिमाचल में भी बरसी आसमान से आफत की बारिश, ओलावृष्टि और बर्फ से शिमला का तापमान 11 डिग्री तक पहुंचा। सोलन के आसमान में काले घने बादलों का डेरा, दिन में रात जैसा नजारा, जमकर हुई बारिश। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जारी है बर्फबारी, कुल्लू मनाली समेत निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। हिमाचल के कई इलाकों में अगले 24 घंटे तक बारिश का अनुमान, तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट। बर्बानी ने बढ़ाई चार धाम के यात्रियों की मुश्किल, 2 दिनों से केदारनाथ के लिए उड़ान नहीं भर रहे हेलीकॉप्टर। भारी बारिश और बर्बारी में रुकी बद्रीनाथ यात्रा, रामगढ़ के पास भूस्खलन की वजह से प्रशासन का फैसला। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड का बड़ा खतरा। पश्चिमी यूपी में भी मौसम का बिगड़ा मिजाज, मुजफ्फरनगर में तेज हवाओं के बीच हुई बारिश। गाजियाबाद में भी देर रात चली धूल भरी आंधी, यात्रियों को हुई परेशानी। राजस्थान के पुष्कर में दहशत लेकर आई तेज आंधी और बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। रेगिस्तान में मंडराए संकट के काले बादल, मौसम के मिजाज को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को मुख्यालय न छोड़ने की सलाह। पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटे में जारी रहेगी बारिश और बर्फबारी, जम्मू कश्मीर के मुकाबले उत्तराखंड और हिमाचल में ज्यादा होगी बरसात।
शादी के बंधन में बंधी अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर, मुंबई में कारोबारी आनंद आहूजा संग लिए साथ फेरे। सोनम कपूर की शादी में जमीन पर उतरे बॉलीवुड के सितारे, जमकर मना जश्न। पत्नी गौरी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे शाहरुख खान, कटरीना भी बधाई देने पहुंचे। करीना और साहब के साथ नजर आए छोटे नवाब तैमूर, करिश्मा कपूर ने भी किया शिरकत। ऐश्वर्या के साथ पहुंचे अभिषेक बच्चन, करण जौहर, कंगना रनौत, अक्षय कुमार भी आए नजर। होने वाली बहू और पूरे परिवार के साथ पार्टी में पहुंचे मुकेश अंबानी, सोनम और आनंद को दिया आशीर्वाद। राकेश श्रॉफ, रेखा जावेद अख्तर, प्रफुल्ल पटेल, राजकुमार हिरानी, विधु विनोद चोपड़ा, इमरान खान भी पहुंचे। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव भी परिवार के साथ पहुंचे। बोनी कपूर के साथ नजर आए अमर सिंह। सिख रीति रिवाजों के साथ हुई सोनम की शादी, लाल चूरन की छाव में भाई हर्षवर्धन और अर्जुन कपूर ने सोनम कपूर को मंडप तक पहुंचाया। शादी के बाद तुरंत सोशल साइट्स पर बदला सोनम का नाम, पति का नाम जोड़कर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर नजर आई सोनम। आईपीएल में राजस्थान के अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार, पंजाब को दी 15 रनों से शिकस्त। राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को दिया था 159 रनों का टारगेट, 20 ओवर्स में 7 विकेट खोकर 143 रन ही बना सकी पंजाब। राजस्थान की ओर से बटलर ने खेली धमाकेदार पारी, 58 गेंदों पर बनाए 82 रन, बने मैन ऑफ द मैच। पंजाब की ओर से शतक से चूके लोकेश राहुल, लोकेश ने 70 गेंदों पर खेली नाबाद 95 रनों की पारी। लोकेश के अलावा पंजाब की ओर से कोई बल्लेबाज नहीं कर सका कमाल गिल, 1 रन बनाकर आउट। वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अश्विन नहीं खोल सके खाता। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।